इंडिया में होने वाले सबसे बड़े स्कैम्स जिनके चक्कर में लाखों लोग बर्बाद हो गए, और क्या पता अगला नंबर आपका हो। नंबर वन, डाटा एंट्री स्कैम। इसमें अनपढ़ व्यक्ति को भी 30 से 40 हजार सैलरी और वर्क फ्रॉम होम का लालच देकर उससे डिपॉजिट के तौर पर 3 से 4 हजार रुपए ले लिए जाते हैं, और कंपनी ज्वाइन करने के बाद जानबूझकर इतना परेशान कर दिया जाता है या 5-10 दिन में ही वो जॉब छोड़ देते हो और डिपॉजिट डूब जाता है। इंडिया में 95% डाटा एंट्री जॉब्स फ्रॉड होती है। नंबर टू, फेक लोन एप्स। आप रोज सोशल मीडिया पर ऐसे लोन एप्स की एड तो देखते होंगे जो आपको 2 मिनट में बिना किसी पेपर वर्क के इंस्टेंट लोन देने का लालच देती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनमें से 80% लोन एप्स फ्रॉड होती हैं, जो RBI के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं। और जब आप इनकी कोई एक EMI टाइम पर नहीं दे पाते तो ये आपके रिलेटिव्स, दोस्त और फैमिली मेंबर्स को कॉल करके आपको डीफेम करते हैं। कुछ ऐसे ही एक बार जब मेरे पास कॉल आया कि आपका दोस्त फ्रॉड है, हमारे पैसे नहीं दे रहा, तो मैंने बोला हाँ आप सही कह रहे हो, वो साला 6 महीने से मेरे भी 80 रुपए खा के बैठा है, प्लीज दिलवा दो। तो पता नहीं लोन वाला गुस्से में बोला, रख रख तेरी मां की, रख।